नमस्कार, मैं डॉक्टर रमीज पठान हूँ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैंने अपना एमएस केएमसी मैंगलोर मणिपाल यूनिवर्सिटी से पास किया। इसके बाद मैंने हिंदूराव हॉस्पिटल और एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज दिल्ली में काम किया 3 साल के लिए। उसके बाद मैंने वडोदरा में सुमनदीप विद्यापीठ में काम किया। इसके बाद मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट में फेलोशिप करी स्पर्श इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड आर्थ्रोप्लास्टी बेंगलोर से। पिछले कई काफ़ी टाइम से मैं एश्टन अंडर लेन में टेम्साइड जनरल हॉस्पिटल ग्रेटर मैनचेस्टर में कार्यरत था। अब मैं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में हूँ। एक चीज़ जिसके पर मैं आज रोशनी डालना चाहूँगा और बहुत ही कॉमन इश्यू है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सोसाइटी में, दैट इज़ बेसिकली नी पेन। ये एक ऐसा इशू है जो कि लाइफ को क्रिपल कर देता है। काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के साथ लोग अपना जीवन शैली इसमें इस प्रॉब्लम से जो है वो फाइट करते रहते हैं। एक एवरेज इंडियन सोच के हिसाब से एक मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि दवाइयां लेते रहो और जो दर्द को है वो कंट्रोल करते रहो। मेरे हिसाब से इसके बहुत अच्छे हमारे पास मैनेजमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है, जिससे जो है पेशेंट की जीवन शैली जो है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट। तो एक बेसिक प्रॉब्लम जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज़ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इसको जो है हम काफ़ी अच्छे से सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी एक्सीलेंट है। एक जनरल कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, फोबिया बना हुआ है और उसके चलते जो है वो पेशेंट जो है वो एक संकोच के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन खुलकर जो है वो इसका एक बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो हमारे पास आएंगे तो हम उनको प्रॉस एंड कॉन्स जो है सारी उसका समझाएंगे और मेरा विश्वास है कि उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में खासा फ़र्क पड़ेगा। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हमारे पास बेहतरीन टीम है, एनेस्थेटिस्ट की, सर्जन की, फिजियोथेरापिस्ट की और हमारी जो नर्सिंग की टीम है, ये सब कुल मिला के एक बहुत ही अच्छी टीम है जो एक बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव केयर जिसको कहते हैं वो मुहैया कराती है पेशेंट को। और जब टीम वर्क में काम होता है तो उसके रिजल्ट्स भी बेहतरीन होते हैं। नी और हिप रिप्लेसमेंट के बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में। और जहाँ तक फाइनेंशियल एंगल की बात है, तो ये जिस तरह की सर्जरी है उस तरह की सर्जरी में काफ़ी किफ़ायत दरों पे यहाँ पे इलाज होता है और पेशेंट को उसको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो मिलता है और उससे उसकी उसी की नहीं उसकी बल्कि जो फैमिली के अंदर जो सोशल प्रॉब्लम्स है जो उससे रिलेटेड है, जो उसके ना काम करने से हो रही है या जो उसकी डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी की वजह से हो रही है उसको भी यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। इस डिपार्टमेंट में हम यहाँ पे जो ट्रॉमा के केसेस होते हैं, जो एक्यूट ट्रॉमा है, जो कोल्ड ट्रॉमा है, निग्लेक्टेड ट्रॉमा है, उसको भी काफ़ी अच्छे से हमारी टीम यहाँ पे हैंडल कर रही है और हमारे पास उसके चलते बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स, मैं कहूँगा एक्सीलेंट रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। तो आप बेफिक्र, ऑपरेशन कराना नहीं कराना इलेक्टिव सर्जरीज के अंदर वो आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आके ओपिनियन ज़रूर लीजिए एंड आई एम वेरी श्योर कि आप जब आओगे यहाँ पे तो आप डेफिनेटली संतुष्ट होकर जाओगे।